अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए और सारे लेटेस्ट अपडेट पाइए। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं अपना ज्ञान टीवी चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस, जो बहुत लोगों को पता भी हो सकती है और बहुत लोगों को नहीं पता हो सकती। मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि 99% लोगों को गाइस जो ट्रिक बताने वाला हो, जो व्हाट्सएप के हिडन फीचर्स बताने वाला हो गाइस, बहुत लोगों को नहीं पता हो सकता। तो गाइस, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो में बताया गया अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हो तो जितने व्हाट्सएप के फीचर्स है, जो हिडन फीचर जो आपको नहीं मालूम है, वो आपको मैं सिखा दूंगा गाइस। तो गाइस, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को स्किप तो मत करना गाइस। हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, ऑल पे कर देना है कि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको समय पे मिलते रहे। जो गाइस आपको ट्रिक बताने वाला हो, जो व्हाट्सएप के हिडन फीचर्स बताने वाला हो, उसके बाद तो आप 100% सब्सक्राइब कर दोगे यार। तो प्लीज़ जो नीचे लाल कलर का बटन है ना गाइस, दबा दो यार, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपली आपका जो व्हाट्सएप होगा उसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, दिख रहा होगा हमारा व्हाट्सएप। तो इस एप्लीकेशन को मैं सिंपली ओपन कर दूंगा गाइस। तो आपको व्हाट्सएप अपना ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करते हुए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। तो उसके बाद आपको ऊपर देख सकते हो गाइस, 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। तो 3 डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको सेटिंग में चले जाना है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ देख सकते हो डेटा स्टोरेज यूसेज लिख के आ रहा है गाइस। तो इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्टोरेज यूसेज देख सकते हो लिख के आ रहा है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सिंपली मालूम पड़ जाएगी कि आप सबसे ज़्यादा किन से चैट करते हो गाइस। जो फर्स्ट ट्रिक थी ये थी कि आप सबसे ज़्यादा किससे चैट करते हो, इसके थ्रू एकदम आसानी से आप पता कर सकते हो। और सेकेंड जो ट्रिक है जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं। बहुत सारे वीडियो बने गाइस, मैंने देखा यूट्यूब पे इतने, मतलब आपको क्या क्या बताया उसमें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो कैसे लगाना है। तो सिंपली आपको सिंपली अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, अकाउंट के ऑप्शन पे आपको सिंपल चले जाना है। अकाउंट के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाते हो देख सकते हो यहाँ लॉक का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, जो फर्स्ट पे प्राइवेसी लिखा हुआ। तो सिंपली प्राइवेसी पे चले जाना है गाइस। तो प्राइवेसी पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल है, तो इस पे क्लिक करना है और सिंपली अनलॉक विद फिंगरप्रिंट जैसे आप ऑन करोगे तो सिंपली यहाँ आपको अपना जो फिंगरप्रिंट है वो लगा देना है गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ से फिंगरप्रिंट लगा देना, ठीक है। मैं क्यों अभी नहीं लगा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अभी फिंगरप्रिंट नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो इजीली गाइस। और ये गाइस व्हाट्सएप में ही फीचर से आपको कोई अदर एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोज देखा गाइस, उसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया, इसे इंस्टॉल करो उसे इंस्टॉल करो। गाइस, ऐसा कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप में ही फिंगरप्रिंट लॉक का सिस्टम मिल जाता है। तो सिंपली ये सेकंड था टिप्स। और जो थर्ड टिप्स है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, जो थर्ड टिप्स है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका व्हाट्सएप हैक होने से बचाना है तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना है। जैसे आपको बता देता हूँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको सिंपली पासवर्ड डाल देना है। यहाँ जैसे मैं आपके लिए एक रैंडम पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। और यहाँ आपको सिंपली जीमेल डाल देना है, और जीमेल डालने के बाद आपका जो व्हाट्सएप है गाइस वो हैक होने से बचेगा। मतलब आपका जो भी व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश करेगा तो सिंपली उसको जीमेल या ओटीपी या पासवर्ड पूछेगा गाइज। और गाइज, इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में गाइज वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके पूरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का वीडियो है पूरा देख सकते हो जाके। तो गाइज, और ये हो गई हमारी दो थर्ड और फोर्थ जो ट्रिक है गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। तो फोर्थ जो ट्रिक है, जैसे अभी देख सकते हो मैं, जैसे अभी ये मेरा फ्रेंड है, तो इससे जो मैंने इतने सारे चैट्स किए हैं, इसके जो चैट्स को हमें एक PDF बना के भेजना है। तो वो उसे कैसे करते हैं, बहुत लोग को ये ऑप्शन मिला है लेकिन बहुत लोग को नहीं मालूम कि एक्सपोर्ट चैट क्या होता है गाइस। देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सपोर्ट चैट। तो एक्सपोर्ट चैट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो एक्सपोर्ट चैट पे देख सकते हो लिख के आ रहा है इंक्लूडिंग मीडिया, मतलब जो आपका आपको मीडिया के साथ, मतलब जो भी आपने चैट किया है, जो भी आपने फोटो या वीडियो भेजे उनके साथ आपको इनको PDF बनाना है, या ऐसे नॉर्मली। तो जैसे विदाउट मीडिया में कर लेता हूँ, तो सिंपली इस तरीके से PDF तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हो शेयर करने बोल रहा है, तो WhatsApp पे सिंपली क्लिक करना है और जैसे इस तरीके से मैं शेयर कर देता हूँ फ्रेंड को, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो गाइस, मैंने शेयर कर दिया और सिंपली ये शेयर होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसे ओपन करके। देख सकते हो गाइस, जैसे इस बंदा उस पर क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके से जितने सारे चैट्स है देख सकते हो, जितने मतलब मैंने चैट्स किए थे सारे इजिली यहाँ से वो पढ़ सकता है। तो गाइस, इस तरीके से कुछ आप जो एक्सपोर्ट चैट का, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि एक्सपोर्ट चैट का मतलब क्या है, तो सिंपली इसके थ्रू आप किसी को भी PDF फाइल
मतलब सेंड कर सकते हो जितना आपने चैट किया है सारा कुछ। तो गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से जाना है 3 डॉट पे और मोर पे जाना है, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना है, तो जो आपका चैट होएगा सारा वो पीडीएफ में तैयार होके मिल जाएगा। तो गाइस ये थी 4th ट्रिक। और जो 5th ट्रिक है गाइस, बहुत लोगों को 5th ट्रिक तो पता ही होगी क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अपना लास्ट सीन हाइड करना रहता है तो सिंपली आपको प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में देख सकते हो लास्ट सीन का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, तो जो लास्ट सीन है मैंने माय कॉन्टैक्ट रखा है, मतलब सिंपली जो मेरे कॉन्टैक्ट में सेव रहेंगे उनको ही मेरे लास्ट सीन दिखेंगे। तो आपको अगर दिखना मतलब सबको दिखाना है आपका जो लास्ट सीन है तो एवरीवन कर दीजिए, मतलब आपको लास्ट सीन अपना हाइड करना है तो नोबडी पे क्लिक कर देना, तो आपका जो लास्ट सीन है किसी को नहीं दिखेगा गाइस। तो गाइज़ ये 5वीं ट्रिक थी गाइज, और ये वीडियो बस बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत लोगों को व्हाट्सएप के जो 5 हिडन फीचर है बहुत लोगों को नहीं पता है। गाइज जिनको पता है कोई बात नहीं, आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कीजिए। अगर जिनको वीडियो पसंद आया हो, बहुत यूज़फुल लगा हो या नॉलेजफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपके कोई और सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।